गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हम कैथोड रेज के बारे में पढ़ चुके हैं, कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किस तरह से बिहेव करेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। साथ में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। उसके अलावा यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट ई बाय एम रेशो, वो किससे हमें निकाली, हमने जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की थी ई बाय एम रेशो, और ई बाय एम रेशो एंड योर चार्ज उनको यूज करके वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नाउ विल कम टू द एनोड पार्ट। अब हम एनोड के पार्ट में आएंगे, बहुत ही शॉर्ट में निपटाऊंगी मैं एनोड को, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स एनोड और कैथोड की लगभग सारी की सारी सेम है, एक्सपेरिमेंट तक भी सेम है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो सेम है बेटा जी, सबसे पहले एनोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चली थी। सेम वही इलेक्ट्रॉन्स लगी हुई है। सेम वही हाई वोल्टेज बेटा जी। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर कैथोड, पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर एनोड। क्या हुआ बेटा जी, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, गैसेस। बिल्कुल सेम सेटअप है सारा का सारा, जो आपका कैथोड का था सेम टू सेम सेटअप रहेगा। गैसेस यहाँ पर भी हाइड्रोजन वैक्यूम पंप, दिस इज वोल्टेज सोर्स बेटा, ठीक है। तो एक चीज रखनी है बेटा, दो बातें बिल्कुल सेम है, दैट इज हाई वोल्टेज होनी चाहिए। कितनी कितनी हाई होनी चाहिए बोलो, 10^4 वोल्ट से ज्यादा, 10^5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। एंड प्रेशर लो होना चाहिए, दैट इज 10^-4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या MMHG भी आप यूनिट ले सकते हैं, उससे कम होना चाहिए। सब कुछ सेम है, हुआ क्या, कुछ खास नहीं हुआ था, बस एनोड की डिस्कवरी की किसने, गोल्डस्टीन ने। ये एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया बेटा, गोल्डस्टीन के माइंड में एक छोटी सी बात आई राजे कि कोई भी गैस नहीं, मैंने O2 ली, आयोनाइज हुई थी, 2O पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2 आयोनाइज हुई थी, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी गैस जो आयोनाइज हुई थी उसके माइंड में सिर्फ ये बात आई कि अब तक हमने पढ़ा है कैथोड रेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देयर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पार्ट, वो भी तो ट्रेवल कर रहा होगा किसी तरफ, तो पॉजिटिव पार्ट किस तरफ ट्रेवल करेगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहां से फ्रॉम एनोड टू कैथोड इस तरह से भी रेज ट्रेवल कर रही थी, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट। ये आपको क्या बोलते हैं बेटा, एनोड रेज। क्लियर हुई बात, तो एनोड से निकलने वाली रेज है, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया, एनोड रेज। इनका दूसरा नाम था बेटा कैनाल रेज, उसका रीजन क्या है, शॉवर आप सबने देखा होगा, घर में शॉवर होता है, कुछ उस तरह की प्लेट ली बेटा और उसके अंदर उसी तरह से छेद कर रखे, मोटी प्लेट है, थोड़ी सी थिकनेस दिखाई है मैंने, 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है, यहाँ होल्स है बेटा, जैसे शॉवर में होल्स होते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर होल्स कर रखे हैं बहुत सारे,
अभी ये रेज क्या है, जैसे हॉल है ना, हॉल जैसे ये हॉल है, तो रेज क्या है, ये इस हॉल में से ट्रेवल कर रही थी, हॉल में से ट्रेवल कर रही थी, बात समझ आई? क्यों? क्योंकि एनोड से जो रेज निकलेंगी, ये दिस इज योर क्या है, कैथोड प्लेट है। कौन सी प्लेट है बेटा? कैथोड प्लेट। कैथोड से इस तरफ निकलने वाली रेज को तो हमने नाम दिया है कैथोड रेज। क्या नाम दिया है यहाँ पर? कैथोड रेज, ठीक है। लेकिन कुछ रेज इस तरफ यहां से निकल रही थी, इसके पीछे से, इसके पीछे नजर आई बेटा कुछ रेज, बात समझ आई? तो ये जो होल्स है, जैसे बड़ी सी प्लेट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं, उन होल्स में से ऐसे रेज निकल रही है। तो होल में से निकली, होल को इंग्लिश में नाम देते हैं कैनाल, मतलब सुरंग। तो ये रेज एक तरह से सुरंग में से निकली थी, इसीलिए इनको हमने नाम दे दिया क्या? कैनाल रेज। तो एनोड रेज क्यों बोला? बिकॉज दे कम फ्रॉम द, बोलो, दे आर कमिंग फ्रॉम द एनोड पार्ट। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि ये कैथोड में से निकली है, कैथोड भी कौन सी? छेद वाली। छेद वाली कैथोड को बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। कौन सी यूज की हमने? परफोरेटेड गैस प्लेट, वो कैथोड प्लेट को यूज किया। तो एक तरह से छेद में से रेज निकल रही थी, होल में से निकल रही थी। तो होल आर जस्ट लाइक कैनाल, दैट इज सुरंग की तरह लग रहे थे, इसीलिए रेज को नाम दे दिया कैनाल रेज। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है बच्चा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। यू विल स्टडी द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। अब अगर दो तीन प्रॉपर्टीज जो इसकी अलग अलग है उस पर फोकस करते हैं, वो क्या क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन सेम रहेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट मैंने आपको बोला है स्ट्रेट लाइन, सेकेंड कहां से ट्रेवल करेंगी? फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दिस इज द डिफरेंस, फ्रॉम एनोड टू कैथोड जाएंगे बेटा। थर्ड, यहां पर मैंने बेटा इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, सेम पॉजिटिव, और इस तरफ मैंने लगा दिया बेटा जी क्या? नेगेटिव। तो क्योंकि इनके ऊपर, खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव, तो इट विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट होएगी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चीज क्लियर करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है बेटा? ये नेगेटिव की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड में किसकी तरफ? साउथ पोल की। दिस इज इंपॉर्टेंट, बात समझ आ गई बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ होगी, क्योंकि नॉर्थ क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ होगी क्या? नहीं, तो पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव है। मैंने कल, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नॉर्थ एक्ट एज अ नेगेटिव एंड साउथ एक्ट एज अ पॉजिटिव। तो कौन से पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी? नॉर्थ पोल की। बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेंगे उससे, क्लियर। थर्ड, मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है बेटा, टकराएंगी, हीट प्रोड्यूस करेंगी, बात समझ आई? कोलाइड करेंगी, समझा चुकी हूँ मैं आपको, इन द कैथोड रेज। तो मटेरियल प्रॉपर्टी वाली बात सेम है, वेलोसिटी है इनके पास, मास है इनके पास, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी है इनके पास, क्लियर हुई मेरी बात? तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर सेम। सबसे उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिफर है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। सिंपल सी बात है बेटा जी, अगर आपने H2 गैस लिया है तो हाइड्रोजन का आयन बनेंगे 2H पॉजिटिव, ये एनोड है, और अगर आपने O2 गैस ली है तो बनेंगे 2O पॉजिटिव, ये एनोड है। मेरी बात समझ आई? 2O पॉजिटिव की बात करूं तो इसका मास क्या है? ज्यादा, और हाइड्रोजन का मास क्या है बेटा जी? कम। दो बातें क्लियर है, जिसका मास ज्यादा हो वो तेजी से भागेगा या स्लो भागेगा? स्लो भागेगा। तो यहां पर इनकी क्या है? फास्ट है ये, दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ये क्या होंगी बेटा? स्लो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल सी बात है कि मास ज्यादा होगा, हैवी पर्सन, भागने में टाइम लगेगा, उसकी एनर्जी लगती है। पतला बंदा फटाफट भाग लेगा, उसकी एनर्जी नहीं लगती। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड, वेलोसिटी,
कैरेक्टर स्टेट्स सब कुछ किस पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक मास पे। और एटॉमिक मास हर गैस का क्या होता है? अलग होता है, इसीलिए ये किस पर डिपेंड करेंगी? नेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट देखूं, दैट इज फिफ्थ, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मैंने आपको बोला था बेटा किसको बोलते हैं, दैट इज ई बाय एम रेशियो को। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है ई बाय एम रेशियो। चार्ज ठीक है सब पे सेम होगा, ठीक है कोई इशू नहीं है, बट मास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। सभी गैसेस के लिए मास क्या है बेटा? डिफरेंट है। अगर मास डिफरेंट है तो ई बाय एम रेशियो भी क्या आएगी? डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो स्पेसिफिक चार्ज इज नॉट सेम फॉर ऑल गैसेस, तो या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए स्पेसिफिक चार्ज आपका क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये याद रखनी है आपको। क्लियर हुई मेरी बात? कोई डाउट है बेटा इसमें? इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ऑल आर सेम, जो आप कैथोड से कॉपी करें, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं बेटा, मैं स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रही थी। स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज को हमने दूसरा नाम दिया है ई बाय एम रेशियो। तो अगर हम इसकी ई बाय एम रेशियो के ऊपर फोकस करें, ठीक है, तो बेटा चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम बाय में मास। मास कितना होगा? अब देखिए E by M रेशो के लिए सिंपल सी बात है कि इसमें सब कुछ निकालने के लिए हमें सबसे पहले E by M रेशो निकालनी पड़ेगी, दैट इज चार्ज बाय मास। अब मास किसका लेंगे? तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मास सबसे कम किस चीज, कौन सी गैस का होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का होता है राजे। तो E by M कितना निकलेगा जरा मुझे बताना। आप यहाँ से E by M कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट, बोलो फटाफट से कितना आया हाइड्रोजन के लिए? 9. अभी तो बताया था 9.579 × 10⁴ कोलम पर ग्राम। अभी तो बताया था, भूल गए? याद आ गया इतनी जल्दी? कमाल ही कर दिया भाई, इतने नालायक कैसे हो सकते हो? 9.579 × 10⁴ कॉलम पर ग्राम। तो ये E by M रेशो किसके लिए ली बेटा? हाइड्रोजन के लिए। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम होता है, इसीलिए ये वाली जो रेशो आप यूज करोगे वो फर्दर सभी वैल्यूज के लिए यही यूज करोगे। तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी E by M की फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए बनाई? हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन गैस का दूसरा नाम प्रोटियम भी होता है, आपको पता है, है ना? हाइड्रोजन को प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, थ्री होते हैं, तो प्रोटियम भी होता है। इसीलिए हाइड्रोजन से जो गैस बनी उसको हमने नाम क्या दे दिया? प्रोटॉन्स। दैट इज एनोड रेस का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स के बारे में बताया किसने बेटा जी? एनोड रेस किस चीज की बनी हुई है? प्रोटॉन्स की। ये इंफॉर्मेशन हमें मिली किससे? रदरफोर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एनोड रेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। किसने बताया हमें? एनोड रेस की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। जबकि एनोड रेस आर कॉम्पोजिशन ऑफ किस चीज का? प्रोटॉन्स का। ये हमें किसने बताया? रदरफोर्ड। तो यहाँ पर E by M रेशो आई आपके पास 9.79 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। अब अगर मैं यहां से निकालना चाहूं मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एनोड रेस पे मास कितना होगा? तो आपको पता है बेटा E by M रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो सकती है? चार्ज बाय में मास। ये मैं करा चुकी हूँ आपको, कैथोड के लिए भी हमने यही किया था। E by M कितना है? 9.5 × 10⁴ कॉलम पर ग्राम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। चार्ज कितना है बेटा? 1.6 × 10⁻¹ बोलो −19 कॉलम, यूनिट बाद में कर लेंगे, ठीक है। बाय में कितना है बेटा जी? मास। मास इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू कितना आया? 1.6 × 10⁻¹⁹ बाय 9.5 × 10⁴। तो यहां से आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके यू विल गेट ए वैल्यू। कितनी आएगी?
बोलो कितनी आएगी वैल्यू, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। दीज आर द टू वैल्यूज जो आपकी मास कैलकुलेट हो जाएगी। सेम है सब कुछ, सारा का सारा सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। कैथोड रेज अगर आपको अच्छे से आती है तो कैथोड रेज हो जाएंगे, बस इसकी चार प्रॉपर्टीज अलग है, दैट्स इट, और कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? डन है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बेटा जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1932 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी बेटा, ये चीज याद रखना। कब हुई थी? 1932 में। लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ने आइडिया दे दिया था, रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि भाई यहां पर ना कुछ और है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस जो है सेंटर पार्ट, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और है जिसकी वजह से मास जो है वो अलग आता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जोड़ा तो देखा मास अलग आ रहा है यार, और जो वैसे नॉर्मल मास था वो अलग आ रहा था। तो उसके लिए ये उसने 1920 में बता दिया था कि कुछ और भी है आपके एटम के अंदर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा कुछ और भी है। ये आइडिया किसने दे दिया था? रदरफोर्ड ने। लेकिन एग्जैक्ट आइडिया निकल के किसके सामने आया बेटा? 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया, ठीक है। चैडविक ने क्या किया बेटा, यहां पर उसने लाइटर एलिमेंट ले लिए, बेरिलियम ले लिया यहां पर उसने, और बेरिलियम के ऊपर उसने अल्फा रेज डाली। अच्छा, अल्फा रेज मुझे बताएगा कोई क्या होता है? Hg2+, हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? अल्फा रेज। क्या बोलते हैं? अल्फा रेज, क्लियर है। तो अल्फा रेज कुछ भी नहीं होती, डबली पॉजिटिव क्या होती है बेटा? हीलियम रेज होती है, ठीक है। जब उसने Hg2+ को फेंका बेरिलियम पे, तो बेरिलियम चेंज हो गया बेटा कार्बन में 12-6, क्लियर। अब जरा ध्यान देखेंगे, बेरिलियम 12-6 में चेंज हो गया, साथ में उसने क्या निकाला? एक और पार्टिकल निकाला। मतलब जब आपके चैडविक ने बेरिलियम की शीट पे अल्फा रेस को फेंका तो उसमें से कार्बन निकला, किसमें कन्वर्ट हुआ? कार्बन में। लेकिन साथ में एक और पार्टिकल निकला, जिस पार्टिकल को हमने क्या बोला बेटा? न्यूट्रॉन। क्या बोला? न्यूट्रॉन। अगर इसकी आप वो डेरिवेशन करना चाहे तो लग सकते हैं बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? 4 एंड एटॉमिक मास 9। तो जरा देखेंगे, बेरिलियम प्लस Hg के ऊपर कितना है बेटा? 2 पॉजिटिव, कितना बना बेटा? 12 कार्बन 6 प्लस 1 एंड 0। अब जरा ध्यान दीजिए, Hg आपने 2 लेना है, Hg कितना लेना है? 2, क्योंकि हीलियम अकेला तो होता नहीं है, किस फॉर्म में होता है? 4 और 2 की फॉर्म में, पता है एटॉमिक मास कितना होता है Hg का? 4, याद रखा करो ये छोटी छोटी चीजें, और एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो बेटा बेरिलियम देखो, 4 और 2 कितना हो गया? 6, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 0। 9 और 4 कितने हो गए? 13, 12 और यहाँ क्या आ गया? क्लियर हुई बात मेरी? इसी तरह से बोरॉन के साथ भी कर सकते हो। हाँ जी, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन? 5 है, यस। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन? 5, और एटॉमिक मास कितना होता है? 11, कितना होता है? सोडियम का। अच्छा, बोरॉन का भी यही होता है क्या? 11, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 11, और एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 5। तो 5 और 2 कितने हो गए राजे नीचे? 7। तो उसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 11 और 4 कितने हो गए? 15। बनेगा क्या यहाँ बोलो? 14 एटॉमिक मास वाला क्या बनेगा? 6 14, सी। क्या सी ही बनेगा? 14 एटॉमिक मास सी का होता है, 14 एटॉमिक मास किसका होता है? नाइट्रोजन का, कार्बन का भी होता है, इट्स ट्रू। कार्बन आपके 12, 13 और 14 तीन आइसोटॉप्स देते हैं बेटा, बट दिस इज योर रेडियो एक्टिव,
और ये नॉर्मल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा, इज दैट क्लियर? तो एटॉमिक मास को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं 14 एटॉमिक मास किस चीज का है, नाइट्रोजन का, दैट मींस यहां क्या बनेगी, नाइट्रोजन। तो यू कैन यूज बोरॉन, यू कैन यूज बेरिलियम, बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स आपका रिजल्ट क्या निकलता है, न्यूट्रॉन। तो दीज आर दोज पार्टिकल्स जिनका मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल है लेकिन चार्ज कितना है, जीरो। क्लियर है? तो इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को चैडविक ने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन्स। क्लियर होगी मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि ये न्यूट्रल थे, इसमें कोई चार्ज नहीं था, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम प्रोटॉन जितना, कितना, 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम एंड 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ठीक है, चार्ज की बात करें सेम, दैट इज 1 AMU या 1.6। होगा क्या चार्ज इस पे, चार्ज नहीं, चार्ज कितना होता है इस पे, जीरो। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज आल्सो मास। मतलब या तो आप कितना ले लो, 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम लिखो, या लिखो 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, या सीधा सीधा लिख दो 1 MU। पढ़ा है आपने 10th में, एटॉमिक मास यूनिट इज 1 AMU, किसके इक्वल होता है, 1.76 × 10⁻²⁴ ग्राम के। क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है? तो ये 1 के इक्वल भी आप ले सकते हैं। चार्ज कितना है इसमें, जीरो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रॉन्स एंड योर क्या, प्रोटॉन्स। आज हमने दो चीजों को स्टडी किया है, ठीक है? प्रोटॉन्स हमने पहले पढ़े हैं, न्यूट्रॉन्स हमने बाद में पढ़े।